सरकारी दफ्तर का मतलब आपके लिए होता होगा कागजों का भंडार, और किसी भी सरकारी दफ्तर के बारे में सोचकर आपके मन में भी यही तस्वीर आती होगी। लेकिन अब भारतीय रेलवे मंत्रालय ने इसे बदलने की कोशिश की है। जी हाँ, क्योंकि अब रेलवे मंत्रालय ई पेपर पर काम करेगा, यानी पेपरलेस होने वाला है। अब उस मंत्रालय में ई फाइल होगी। सरकारी दफ्तर का नाम सुनते ही आपको सबसे पहले फाइलों का ढेर नजर आता होगा, लेकिन देश का रेल मंत्रालय डिजिटल इंडिया का रोल मॉडल बनने जा रहा है। यानी कि रेल मंत्रालय का काम भी अब तेज रफ्तार से चलेगा, क्योंकि रेल मंत्रालय को पेपरलेस बनाने के लिए मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया मोड ऑन हो गया है। यहाँ रखी मैनुअल फाइलें अब ई फाइलों में तब्दील होंगी। 70,000 फाइलें ई ऑफिस में के प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं, और अगर हम रिसीट्स की बात करें, मतलब जो डाक हैंडल होती है, वो 2,70,000 की फिगर है। आइए अब आपको दिखाते हैं रेल मंत्रालय में अब तक किस तरह से काम होता आया है। देश के किसी भी रेल डिवीजन से कोई फाइल आती है जो एक या दो दिन में ट्रेन या डाक के जरिए पहुंचती है, और धीरे धीरे फाइलों का ढेर लग जाता है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम है फाइल के आने का, जाने का, इसमें जो समय खराब होता है, इसमें जो पेपर खराब होता है, इस सब की बचत होगी। यही वजह है कि रेल मंत्रालय का ये जो प्लान है, ये व्यापक तौर पर लागू किया जा रहा है, बड़े तौर पर लागू किया जा रहा है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर सरकारी दफ्तरों में काम इतनी देरी से क्यों होता है। पूरा सिस्टम ही पुराने ढर्रे पर काम करता है। इसमें न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, और कागज की बर्बादी अलग से। रेलवे के सभी अधिकारियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। रेलवे के 50,000 से ज्यादा कर्मचारी फाइलों को डिजिटलाइज करने में लगे हुए हैं। इसका मतलब जो फाइल पहले कागज की होती थी, वही फाइल अब इलेक्ट्रॉनिक फाइल बन जाएगी। अब आपको बताते हैं कि ई ऑफिस में आखिर काम कैसे होता है। ई ऑफिस में हर अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर यानी ई सिग्नेचर होता है। अधिकारी का लॉगिन पासवर्ड जनरेट किया जाता है। ई सिग्नेचर के बाद अधिकारी अपने सिस्टम पर हर फाइल देख सकता है और उन पर काम कर सकता है। ई ऑफिस और ई फाइल सिस्टम होने से काम जल्दी हो पाएगा। इसके जरिए भारतीय रेलवे बेहतर ढंग से फाइलों को हैंडल कर पाएगी, और दफ्तर में फाइलों का ढेर इकट्ठा नहीं होगा। पहले चरण में रेलवे ने अपने 58 संस्थानों में ई ऑफिस बनाया है। ये मेरा ई ऑफिस है, ये तो फिजिकल ऑफिस है, ये मेरा ई ऑफिस है। यहाँ पे ही मैं इसको खोल के जो भी फाइल होगी, इसको मैं सीधा विद अ क्लिक ऑफ अ बटन मैं सीधा हेडक्वार्टर में भेज सकता हूँ। वहां से जो भी ऑब्जेक्शन होगा, वो सेम इसी रूट से फिर वापस आएगा। मोदी सरकार के इस मेगा प्लान के तहत भारतीय रेलवे पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। रेलवे मंत्रालय में 13,00,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, और रेल मंत्रालय के पेपरलेस होने से हर दिन कई टन पेपर की बचत होगी, जिससे पेड़ों की कटाई भी कम होगी। साथ ही रेलवे का पैसा भी बचेगा। कोई भी फाइल पेंडिंग होगी तो उसका पता भी आसानी से लगाया जा सकेगा। यानी कि अब रेलवे में घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। रेलटेल दूसरे चरण में रेल मंत्रालय के 39 संस्थानों को ई ऑफिस में बदल देगा। भारतीय रेलवे का डिजिटलीकरण पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश करेगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया।